बहुत ही भारी दिल के साथ हम आपकी बेटी की शांति की कामना करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि वो आपके अनंत काल के जीवन का हिस्सा है। अब वो प्रभु की संगति में है जो मर गया और अब जिंदा है। आशा है कि आपके साम्राज्य में खुश रहेगी, जहां सभी आंसू पोंछते हैं, स्वर्ग में अपने पिता के साथ मिलकर एकजुट होते हैं। एडम, क्या तुम ठीक हो? बंद ही रहने दो। एडम, मुझे लगता है मैंने कहा ना बंद करो। शरा, ये सब तुम्हारी गलती है। वैसा का वैसा ही है ये। नहीं, जब से मां की मौत हुई है। होम स्वीट होम। चलो, कम से कम बिजली तो है। पानी के हालचाल देख लेते हैं। या हाँ, इतने साल हो गए, पाइप में कचरा तो जमा होगा ही। पता नहीं टॉयलेट कैसा होगा। सहरा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो?
क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या ये चीनो है? हाँ। कितना बकवास है। हाँ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? हम यहाँ आए क्यों? मुझे लगा घर लौटने से मदद होगी। मेरी मदद? एक नई शुरुआत करने के लिए, जो भी पिछले साल हुआ उससे दूर। सही कहा। और ये जगह तो खूबसूरत यादों से भरी हुई है। चीजें बेहतर हो जाएंगी। बेहतर? क्या हम यहाँ ये करने के लिए आए हैं? हम वापस जाएंगे और अतीत में रहेंगे और दिखावा करेंगे कि वास्तव में जो हुआ वो हुआ ही नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी बेटी मर चुकी है, मेरा पति भी मर चुका है, और अब मैं उसी घर में वापस आई हूं जहां कभी ना आने की कसम खाई थी। मुझे पता है आसान नहीं है, जो भी तुम पर बीती है। हाँ, ये बहुत अजीब है। अजीब कैसे? ये अचानक तुम्हारा मेरी जिंदगी में दिलचस्पी लेना। सारा, तुम मेरी बहन हो। आई लव यू। कम ऑन, 10 साल के लिए मैं तुम्हारे क्रिसमस ट्री पे बस एक नाम थी। अपनी नीस से कब मिले थे? जब वो बच्ची थी। बीमार होने के बाद तक ये नहीं हुआ कि उससे उसका हाल पूछ लेते, उसके मरने से पहले उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लेते। मुझे पता है तुम सही हो। जब हम छोटे थे तो तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी, और माँ के साथ जो भी हुआ उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। अब मैं साथ हूं। हाँ, अब क्या फायदा? शिट, इतना रबर जैसा पिज्जा मेरे दांत तोड़ देगा। तुम ठीक हो? मैं सोने जा रही हूं। Come on, ये सिग्नल को क्या हुआ? हाँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। हे, तुम्हारा दांत कैसा है? दुख रहा है। तुम्हें आइबुप्रोफेन चाहिए? ना। देखो, मुझे पता है तुम कोशिश कर रहे थे, मुझे समझना चाहिए था। I love you, sis. मैं तुम्हें ये दिखा नहीं पाता हूं, लेकिन I'm sorry. मुझे भी माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। देखो मुझे क्या मिला। ओह माय गॉड, मेरे बाल तो देखो। हाँ, ये जरूर 90s के टाइम का होगा। हम बच्चों की तरह खेलते थे। ओह, मैंने तुम्हें मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। अब मैं सोने जा रही हूं। ओके, गुड नाइट। नाइट। मम्मा, मेरी बच्ची, हाँ,
शिट रिचर्ड, मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? पाइप फट गया यार, मैं सुबह कॉफी बनाने आया था और देखा यहाँ तालाब बना हुआ है। ये जगह बिल्कुल बकवास है। कम ऑन, पानी ही तो फैला है। सॉरी। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी बहुत चीजें लेने, तुम थोड़ी देर अकेले रह पाओगी? मैं बच्ची नहीं हूँ रिचर्ड। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम रह लोगी ना? हाँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ वापसी में? कॉफी। ओके, मैं वापस आकर ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ओके। रिची? एक्सक्यूज मी? रिची डॉयल। हे, मैं हूँ जेन थॉमसन। तुम मेरे बच्चों के साथ स्कूल जाते थे, मैं तुम्हारे दोस्त की माँ हूँ। मिसेस थॉमसन। ए, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। क्या लेकर आए हो ग्लोब से? कुछ नहीं, बस दुनिया भर की टेंशन। और मुझे लगा सैरा को थोड़ी सी हवा मिल जाएगी यहाँ की। ओ, सारा भी वापस आ गई, ये तो अच्छी बात है, मुझे उससे मिलना है। मॉली हैनिंग, ये छोटी अजीब। तुमने कहा, मैंने नहीं। वैसे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। टेक केयर। आप भी। बाय। से ज्यादा किया और इसका एक चौथाई आठवें था। हमेशा मुश्किल इंसान। क्या कहा? सही फिट ढूंढ रहा हूँ। हर हिस्से का अपना परफेक्ट कॉर्नर है, पर हमेशा वो मैच नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। हाँ, क्यों नहीं। मुझे इन चाबियों की दो कॉपी चाहिए। ठीक है, मैं अभी दो मिनट में आया। I'm sorry, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हो सकता है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं रिचर्ड। क्या हम मिल चुके हैं? तुमने पिछले साल अपनी नीज को खो दिया था। हाँ, तो वो बीमार थी, इतनी जल्दी क्या थी जाने की? फिर क्या था, खुद डूब गए बाथटब में? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझसे दूर रहो। कम ऑन मिस्टर डॉयल, तुम्हें पता है उस लड़की की कहानी में कुछ तो गलत है। एडम ये जानता था। मैं तुमसे फिर से नहीं कहूंगा। आपका काम हो गया सर, आपके 52 रुपए 50 पैसे। कौन है? मैं हूँ जैन थॉमसन, तुम्हारी नेबर। ये मेरी दोस्त है एमी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना सारा? मिसेस थॉमसन, देखो खुद को, कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा दिल भी उतना ही खूबसूरत है। आप लोग कितने प्यारे हैं। प्लीज अंदर आइए। एप्पल पाई फॉर यू। थैंक यू, इसकी क्या जरूरत है? वैसे ये मैंने नहीं बनाई है, दुकान से खरीदी है। ये मेरी फ्रेंड एमी है। हाय एमी, क्या आप दोनों बैठना पसंद करेंगे? थैंक यू। आई एम सो सॉरी, ये पूरा घर बिखरा हुआ है, मुझे अनपैक करने का वक्त ही नहीं मिला।
बिल्कुल नहीं। अभी तक मुझे शॉपिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अभी हर्बल टी बना रही थी। मुझे चाय बहुत पसंद है, मेरे लिए विदाउट शुगर और विदाउट क्रीम। डॉक्टर ने मिठाई और डेयरी प्रोडक्ट से मना किया है। हाँ, मेरे लिए भी प्लेन ही ठीक है। ठीक है, मैं अभी वापस आई। थैंक्स। ये खूबसूरत लड़की कौन है? आई एम सॉरी, क्या? इसे देखो एमी, ये प्यारी नहीं है? बहुत प्यारी है। क्या ये तुम्हारी? मैं स्कूल के बारे में बता सकती हूँ, तुम्हें रूजवेल्ट से बचने की जरूरत है, लेकिन चैंपमैन के पास अच्छे प्रोग्राम्स है। मैं स्कूल बोर्ड में हूँ वहाँ पर, इसलिए मैं जी एक्चुअली पिछले साल मर गई। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। थैंक यू। मेरे साथ आओ। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? अजीब सा कुछ था, अचानक ऐसे लगा जैसे मेरा गला कोई दबा रहा है, मेरा सीना चल रहा है। ये लीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, मैं निकल गया। नहीं ठीक है, हम चलते हैं। I'm so sorry। चलो जल्दी। It's okay. मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सारा, शांत हो जाओ। ओके। अब ठीक हो? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, बस शांत हो जाओ। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। तो असल में यहाँ हुआ क्या है? एक टूटा हुआ दरवाजा, बुझा हुआ लाइट बल्ब, ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल वैसे ही हैं, बस एक टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। देखो तुम थकी हुई हो, थोड़ा परेशान हो। तुम्हें लगता है मैं इमेजिन कर रही हूं? मेरा ये मतलब नहीं था, तुम बस बुरे वक्त से गुजरी हो और इतने स्ट्रेस के साथ। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचो, ठीक है? पुराना घर, पुरानी प्लम्बिंग और जंग खाए हुए नॉब्स, या फिर हमारी माँ का घर अचानक 30 साल बाद भूतिया हो गया है। नहीं, तुम वहां नहीं थे, तुमने नहीं देखा। कल रात जब मैं नहा रही थी, हो सकता है मैं इमेजिन ही कर रही हूँ। चलो कहीं चलते हैं। कहीं चलते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन इस घर से थोड़ा दूर जाते हैं। हाँ, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। Thank you.
हेलो दोस्तों, क्या चाहिए आप लोगों को? क्लब सोडा। क्लब सोडा और एक कोर्स लाइट ड्राफ्ट प्लीज। जी अभी लाइए। इस जगह ने बड़ी सारी यादें ताजा कर दी। मेरे लिए तो नहीं, मैं शायद बेहोश हो जाऊं। क्या तुम श्योर हो तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही? हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। अब तक ये सोडा देते हैं। अब तक कितना समय हो गया है? 7 साल अगले महीने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक एक करके दिन गुजर ही रहे। क्या ये रहा आपका क्लब सोडा और ये रहा तुम्हारा। थैंक यू। हे रिचर्ड, आई एम सॉरी, बस मैं। इट्स ओके। हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ नहीं। कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया है। सारा, तुम क्या कर रही हो? अंदर चलोगी? तुम्हें अच्छा लगेगा। आराम से बैठ जाओ। मेरी छोटी प्यारी बच्ची। क्या? वो चाहती है मैं उसके साथ खेलूं। वो वापस आई क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। वो एक सपना था। तुमने अपनी रात की दवाई नहीं ली? या फिर उसे बियर के साथ मिक्स करना एक बुरा आइडिया था? क्या? नहीं, मैंने उसे देखा है। तुमने उसे देखा? मुझे पता है वो यहाँ है। सारा। नहीं रिचर्ड, वो एलिजाबेथ ही थी। ओके, चलो अब सो जाते हैं। हेलो। तुम्हें आज बार में देखा, माफ करना मुझे अचानक निकलना पड़ा वहां से। तुम्हें ये नंबर कहां से मिला? सिस्टर ने पीछे हटने की कोशिश की थी, तुम्हारे पास दूर रहने का मौका था। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या? क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? वो हमारी है रिचर्ड। ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी बहन के आस पास भी नजर आए ना तो मैं। हेलो, इसकी तो
तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे तुमसे बात करनी है। खिड़की से जासूसी करते हुए थक गई। तुम्हारी बहन के बारे में बात करनी है। क्या बात है? तुम्हें ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। सच में? क्योंकि जब तक तुम उसके साथ रहोगे तुम सुरक्षित नहीं हो। तुम उस आदमी की दोस्त तो नहीं जिसने मुझे रात में कॉल किया था? समझ पाना बहुत मुश्किल है पर यहाँ इस घर में कुछ तो है जो उसके अंदर आना चाहता है। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो लेकिन मैं बहुत सुन चुका हूँ। तुम भगवान और शैतान दोनों को एक साथ नहीं पूछ सकते। तुम भगवान के साथ शैतान को नहीं रख सकते। मेरी बात सुनो। तुम्हें इलाज की जरूरत है सीरियसली। रिचर्ड वो हे भगवान सैरा तुमने अपना हाथ काट लिया। सैरा तुम अपने साथ क्या कर रही हो? वो एक एक्सीडेंट ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। अभी मेरे साथ चलो। सैरा सैरा रुको। सैरा दरवाजा खोलो। सैरा सैरा दरवाजा खोलो। बहुत हो गया मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम चाहती हो यहाँ पर एम्बुलेंस आए या पुलिस? क्योंकि यही होगा अगर दरवाजा नहीं खोला। हे मेरी बात सुन रही हो? बहुत हो गया मैं कॉल कर रहा हूँ। ये सब बकवास है रिचर्ड। हाँ क्यों नहीं। सर एजोएल? हाँ यहाँ। यहाँ पर सीट पर बैठ जाओ सैरा। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये एक एक्सीडेंट था। मुझे ऐसा नहीं लगता। भाड़ में जाओ रिचर्ड। भाड़ में जाऊं? तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की। सर इसे इस बात को समझना होगा कि ये अपने आप को मार रही है। प्लीज सर आप इसे परेशान कर रहे हैं। आप बाहर वेट कीजिए प्लीज। हाँ सही कह रही है। हाय क्या तुमने जानबूझकर खुद को हर्ट किया है? वो एक एक्सीडेंट था। ठीक है देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये तुमने आज किया है? हाँ इस चोट को देखकर तो लगता है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें जैसे ही चोट लगी तुम्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था। टांके लगाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये बहुत बड़ा घाव का निशान छोड़कर जाएगा। कभी कभी पेशेंट के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें क्या कर रहना चाहिए और एक काम करो। फादर बर्क कहिए। आप बात कीजिए मुझे और पेशेंट देखने हैं। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है ठीक है। रिचर्ड डॉयल सेंट मार्टिन्स बास्केटबॉल। हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ और तुम्हारी बहन को भी। क्या नाम है उसका? सैरा। सैरा सैरा हाँ कैसी है वो? वो ठीक नहीं है फादर। एक्चुअली बिल्कुल नहीं। उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। वो अपने आप को काटती रहती है और कहती है कि एक्सीडेंट है पर मैं नहीं मानता। ओह ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा।
देखो मुझे अभी 5 मिनट में चैपल पहुंचना है, देर हो रही है। तुम चाहो तो मैं रात में उससे मिल सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, हम यहीं पर हैं, ब्रुक्स स्ट्रीट पर, मेरी माँ के घर पे। हाँ मुझे पता है वो कहाँ है। 6:30 बजे ठीक रहेगा? हाँ बढ़िया, थैंक यू सो मच। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अपना ध्यान। मैं आपका आभारी रहूँगा। ठीक, तुम ठीक हो जाओगे बेटा, टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ ना। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। उम्मीद है तुमने किसी प्रीस्ट को नहीं बुला लिया। क्या करूं फिर मैं? पता नहीं, शायद किसी और से बात करने से शायद कुछ मदद मिल जाए। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आखिरी बार कह रही हूं, वो कट एक एक्सीडेंट था। ओके, मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन कल रात अजीब सपना, लगता है वो आ गए। फादर, आने के लिए शुक्रिया, अंदर आइए। थैंक यू रिचर्ड। बैठिए बैठिए। हाँ शुक्रिया। क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, कॉफी या चाय? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं सारा को लेकर आया। बढ़िया, ले आओ। फादर आए हैं। तुम ये क्यों कर रहे हो? वो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जो भी है ठीक है। सरा, शायद तुम्हें याद नहीं है, मैं हूँ फादर बक। हाय। तुम्हारे भाई रिचर्ड को लगता है तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हूँ फादर। कोई बात नहीं, हम कुछ भी बात कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कि मैं अच्छी बातें करता हूँ, तो ज्यादा मत सोचो, बस आराम से बात करो। तुम चाहो तो रिचर्ड बाहर भी जा सकता है। रिचर्ड थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है, शायद यही सही होगा। ठीक है, अब भी मुझे ये बताओ, तुम्हारे हाथ में जो पट्टी बंधी है वो क्यों बंधी है? मैंने खुद को काटा है। हाँ रिचर्ड ने मुझे बताया, पर उसे लगता है बात कुछ और है। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचता है। उसने कहा तुम्हें सोने में परेशानी हो रही है, कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है अपने बारे में। मेरी बेटी की जान ल्यूकेमिया की वजह से चली गई और मेरे पति ने सुसाइड कर ली। तो सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं अपने खुद के जैसा बर्ताव आखिर कैसे करूं। माफ करना, पर क्या तुम उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हो? अब बात करने के लिए क्या बचा है? वो दर्द जिससे तुम गुजर रही हो, क्या अपने लिए प्रार्थना करने दोगी? इसके लिए तुम्हें अपने विचार और विश्वास बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं शायद तुम पे दबाव डाल रहा हूं। चलो इससे बाद में कभी करेंगे। नहीं कोई बात नहीं फादर, हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हाथ आगे बढ़ाओ। हे ईश्वर, अपनी बेटी सेरा पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। हम आपसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। क्या हुआ है फादर? फादर आप ठीक हो? फादर आप ठीक है? फादर, हे, क्या हुआ? इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि मुझे जाना होगा। क्या? एक मिनट, मुझे जाना होगा।
हे फादर रुकिए, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या? मैं उसके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर मैं एक इंसान को जानता हूँ, वो यू ऑफ एमए प्रोफेसर है, उसका नाम फादर फ्रांसिस कैंपेल है, वो इस तरह की चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। ये आप क्या बात कर रहे हैं, कैसी चीजें? वशीकरण। यकीन नहीं हो रहा, मैं इस आदमी को मदद के लिए बुलाकर लाया और ये फालतू बातें कर रहा है। हमें सच में किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, ना कि इस जैसे पाखंडी प्रीस्ट की। ये क्या कर रही हो? तुमने फिर अपने आप को काटा? रिचर्ड जाओ। सारा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम नहीं समझ रहे हो, मुझे मतलब तुम मरना चाहती हो? मुझे उसके साथ रहना है, वो यहीं है। ओ, वो यहाँ है? लिजी यहाँ है? ठीक है, ओके। लिजी हम यहाँ है, बाहर आओ। मुझे तो नहीं दिखाई दे रही सारा, शायद वो हमसे छुप रही है। हाँ लिजी, हेलो। ओ, वो यहाँ भी नहीं है, शायद यहाँ पर होगी। हाँ ओ हाँ, मुझे पता है, शायद वो सेलर में है, है ना? हाँ ठीक है। मेरी टॉर्च कहाँ मर गई इसकी तो? रिचर्ड वहां नीचे मत जाओ। रिचर्ड यहाँ पर जो भी है बाहर आओ। ये तो गटर जैसी बदबू है। बहुत बढ़िया, यहाँ सब कुछ पहले ठीक था ना, जो ये सीवेज लाइन फिर फट गई। सारा, मुझे नहीं पता मैं कब तक झेल पाऊंगा। मैं बाहर जा रहा हूं। खाना ढंग से नहीं खाया तो हॉस्पिटल दोबारा जाना पड़ेगा। उसे मैरो ट्रांसप्लांट से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसे करने से आप ठीक नहीं हो सकते। मुझे माफ करना, मैंने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है, समझी तुम? लेकिन मैंने आज की टैबलेट ले ली है। तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ी और लेनी पड़ेगी। मैं बहुत थक गई हूं मम्मी। वो अपने आप को मार चुकी है। लिसी नहीं हो, तुम कौन हो? ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो। अपने आप को हमें सौंप दो। दर्द रोकने का Thank you.
क्या चाहिए आपको? एक शॉट और एक बियर। ओके, कौन सी? विस्की, कोई भी आयरिश अगर है तो, बियर कोई भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। मिसेस बेली, मिसेस बेली। फादर, तुमने तो मुझे डरा दिया मिसेस बेली। मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है, स्कॉच का इंतजाम कर सकती हो? खराब है क्या? हाँ, ये कह सकती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी तो नहीं देखा। मैं नहीं चाहता तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैं अकेला रहना चाहता हूँ। पता नहीं, पर तुम यहाँ औरों से बहुत अलग दिख रहे हो। उम्र क्या है तुम्हारी? काफी बड़ी हूं। हे दोस्त, एक और विस्की, और अरने जो चाहिए वो दे देना। हेलो, ये फादर कैम्बल का वॉइस मेल है, अपना संदेश छोड़ दीजिए, शुक्रिया। हाय फादर, सुनिए, मैं फादर जेम्स बर्ग हूँ। पिछले साल आर्क बिशप के लिए पैसे जुटाते समय आपसे मुलाकात हुई थी। मुझे जो आपको बताना है वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। मैं अपने किसी पुराने जानने वाले से मिला था, उसका नाम सैरा डॉयली है, और जो मैंने देखा वो बता पाना आसान नहीं है। मुझसे किसी ने बात की। जैसे ही आपको ये मैसेज मिलता है, प्लीज मुझे कॉल कीजिए। प्लीज, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। और मेरा फोन नंबर है 6325926789। प्लीज, ये मैसेज मिलते ही मुझे कॉल कीजिए। मिसेस बेली, वो घर चली गई है। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम कुछ ज्यादा ही पी रहे हो। हाँ, मुझे पता है, वैसे कितनी पी मैंने, क्या फर्क पड़ता है। हे, एक और, एक और, और एक और। हाँ, दुनिया के सारे दुखों को बह जाने देते हैं। तो यहां से निकलना चाहोगे? सच में? मेरा मतलब, हाँ। तुम्हें रास्ता मालूम है क्या? हम ढूंढ लेंगे। मुझे पहले हल्का होना होगा। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई तो है? क्या कहा? तुम्हारे लिए अच्छा है, यही कहा। थोड़ा पीछे रहना ठीक रहता है, गाड़ी के अंदर रहना आसान नहीं होता। लगता है सैरा ने बाहर जाना शुरू कर दिया है। लेजी के लंग्स में पानी भर गया है। उसकी मदद के लिए तुम्हें उससे पूछना चाहिए, वो तुम्हें बताएगी।
क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? सच कहूं तो हाँ मिस्टर डॉयल, और हमेशा करता रहूंगा। हाँ मिस्टर डॉयल, उसे बाहर आने दो, बाहर आने दो उसे। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे आखिर तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि एक बार के लिए असली मर्द बनो, उसे अपने घर ले जाओ, उसके बाद जो करना है करो उसके साथ। दोबारा मेरे आसपास दिखे तो मार दूंगा, मेरे या मेरी बहन के आसपास भी आए तो तुम मुझे मार दोगे, समझ गया? वो मेरा पीछा कर रहा था। शिट! मुझे जाना होगा। ओके। कभी और मिलते हैं। फादर, सॉरी मैं अपना फोन चार्ज करना भूल गई और मेरा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। फादर? जिसे भी मुझ पर यकीन है वो कभी भी मर सकता है। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगी क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे साथ है। क्या तुम हमेशा से ये सब नहीं चाहते थे? तुमने अपने आप को क्या कर लिया? हमारा एक छोटा सा बेबी होगा रिचर्ड। तुम ही मेरे जिंदा परमेश्वर हो। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी आवाज सुनो, मेरी मदद करो और मेरी रक्षा करो। Hey, तुम अभी तक जिंदा हो? क्या क्या तुम ठीक हो? कौन हो तुम? ये मेरा घर है जहां तुम खड़े हो। तुमने पी रखी है? नहीं। देखो तुम मेरे जाने का रास्ता रोककर खड़े हुए हो। क्या बकवास है? तुम यहां से कार हटाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? पागल कहीं का।
फादर बोक, फादर बोक, मैं रिच डॉयल। हेलो, वो यहाँ नहीं है रिचर्ड। कल रात उस पागल बुड्ढे ने अपनी जुबान काट ली। ये तुमने किया है ना, तुमने किया? मैं सिर्फ एक आवाज हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि इस लड़ाई को छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपकी क्या सहायता करूं? आपके पास कोई पेशेंट होगा जिनका नाम है फादर जेम्स बर्क? एक्सक्यूज मी सर, क्या आप फादर बर्क को ढूंढ रहे हैं? सही कहा। मैं डॉक्टर कैथी मैंड्रो हूं, उनका इलाज मैं कर रही हूं। फादर बर्क आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आप यहां आ गए। आपको कैसे पता मैं कहां हूं? बस एक अंदाजा लगाया। क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं उनका दोस्त हूं। ठीक है, तो आ मेरे साथ। फादर, तुम्हें कोई अंदाजा है कि इन्होंने अपने साथ ऐसा क्यों किया? क्या लिखा है इसमें? फादर कैंबल को ढूंढो। वो कौन है? मुझे जाना होगा। हे मिस्टर डॉयल, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है, मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ भगवान के नाम पर, बाहर निकालता हूँ। रेटली आके पढ़ो, रेटली आके पढ़ो। तो इन सब बातों से हम ये साबित कर सकते हैं कि राक्षसी घटनाएं सच में होती हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, और वो सच भी है कि यहां कुछ भी ऐसा नहीं देखा या सुना है आप लोगों ने जिसे कि और आसानी से समझ भी नहीं सकते। अफसोस की बात है कि जिन लोगों को भी इस बात पर कोई यकीन नहीं है उन्हें अगली बार दिखा सकते हैं। और नहीं, हम लोग झाड़ फूंक नहीं करते। क्यों नहीं? बहुत सही सवाल किया आपने, और जवाब भी आसान है। जब एक राक्षस वश किए हुए शरीर को छोड़ देता है तो वो खत्म नहीं होता और ना ही लौट कर जाता है जहां से वो आया है। किसी बीमारी की तरह किसी और को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता है। ठीक है, और कुछ? हाँ, कुछ केसेस में ये बुरी शक्ति निर्जीव में भी अपनी जगह बना सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है। जैसे कोई बोलने वाली गुड़िया। नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं हो रही है। तुम चाहो तो अपनी कुछ भी कहानी लेकर आ सकते हो जिसे समझने में ज्यादा आसानी हो हमारी इस खोज को। हमें फ्रॉड समझ सकते हैं, जिसकी जैसी सोच होगी वही समझेगा। छोटी सी चीज की जरूरत होती है और वो है विश्वास। विश्वास? हाँ, मुझे पता है। ये 3.5 अक्षर का शब्द जो विज्ञान में विश्वास रखने वालों के लिए फालतू होता है, लेकिन हाँ, विश्वास ये थोड़ा निराशा भरा है, पर आजकल के आधुनिक युग में इसकी जगह है विश्वास की। आज का सेशन यहीं खत्म होता है, तो आपसे गुजारिश है तालियों से प्रशंसा करें स्पीकर के लिए। फादर फ्रांसिस, मैं रिचर्ड डॉयल हूं। फादर जेम्स बर्क को लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे पास उनका कॉल आया था रात को। क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बहुत मुश्किल है इसे समझाना, लेकिन अगर आप मेरे साथ चल सकते हैं तो शायद। माफ करना, पर कल शाम को 6 बजे मुझे कहीं जाना है, मेरा एक अपॉइंटमेंट। नहीं 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 नहीं, नहीं सुनिए, मैं वेट नहीं कर सकता। ठीक है, चलो।
पता नहीं कैसे समझाऊं, पर वो हमारी मदद कर रहे थे, पर उन्होंने अपनी जबान काट ली और वो अभी अस्पताल में और बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तुमने किसी राक्षस को देखा है? सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ चलो। ओके, हम सब तैयार हैं। सब ठीक है, परेशान मत हो। तकरीबन एक साल पहले मेरी बहन सहरा ने अपनी बेटी को खो दिया था। उसके पति ने थोड़े दिन बाद अपने आप को मार लिया। और बच्चे की मौत कैसे हुई थी? वो डूब गई थी। तो ये सब अचानक हुआ था? हाँ, ये कह सकते हैं। उसे लुकीमिया था और इलाज से ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी। एक रात वो बस बाथटब में थी और वहीं उसकी नींद लग गई। और मुझे पता है एडम सारा को दोष देता है। अच्छा, इसलिए मैं सारा को अपने साथ पुराने घर लेकर आ गया। मुझे लगा कि अपने पुराने घर जाकर उसे कुछ मदद मिलेगी, पर उसे वो अजीब सपने आने लग गए, खराब सपने लिजी के बारे में। चीजें खराब होती गईं, उसे आवाजें सुनाई देती हैं, लिजी और बाकी आवाजें, और फिर उसने अपने आप को काट लिया। अपने आप को काटा? और वहां वो अजीब से निशान थे। कैसे निशान? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उन्हें पहले देखा नहीं। और उसके पूरे शरीर पर ऐसे अजीब निशान थे जैसे किसी पुरानी बर्बादी के मंत्र जैसे। क्या तुम उन्हें बनाकर दिखा सकते हो? किसी भी तरह से अगर बना सको। ऐसे ही है? हाँ, मैंने थोड़ी देर के लिए देखा था, लेकिन हाँ। ओके, ये वही है। क्या? ये तो बेलियल के दूसरे निशान की तरह लग रहा है। वो क्या है? बहुत कम दिखता है, मैंने जीवन में इसे दूसरी बार देखा है। क्या मतलब है इसका? देखो, मान्यता है कि बेलियल नरक की सात राजकुमारियों में से एक है। एक ऐसी जीव जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और वो कोई भी रूप ले सकती है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हाल ही में मरे हुए लोग काले जादू से इसके द्वारा जोड़े जा सकते हैं, पर मुझे इस बात से ज्यादा चिंता हो रही है कि मैंने ये निशान पहली बार 1200 साल पुरानी किसी हस्तलिपि के बाहर देखे। शायद हमें बाहर जाना कैंसिल करना पड़ेगा। रुकिए रुकिए, अभी और भी है। ठीक है, रास्ते में बता देना।
मैंने देखा स्वर्ग को खुलते हुए सफेद रंग का घोड़ा है और जिसका घुड़सवार सच्चा इंसान है। वो न्याय करने आने वाला है और वो जल्द ही आएगा। रक्षा करो, जिनको जरूरत नहीं थी उनके लिए आपने बहुत सहा है, शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए अंधेरा कभी नहीं आना चाहिए। माली, ओह माली, तुमने मुझे आजाद कर दिया। माली, तुम्हारे विश्वास ने बुराई को हरा दिया, बुराई को हरा दिया माली। तुम्हारा और भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम यहाँ आ गई। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है, बुराई को तुमने हरा दिया, उसका शुक्रिया करो, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा। सब ठीक है, तुमने भगवान का काम किया है और वो तुमसे बहुत खुश है। पर तुमने बुराई को देख लिया और उसने तुम्हें अंधा किया। खुद को आजाद करो। आगे हम चले जाएंगे, तुम चाहो तो रुक जाओ। नहीं, मैं मुझे ये करना होगा। ठीक है, ये बदबू। सारा, ये लो, अपनी नाक के नीचे थोड़ा सा लगा लो। लगता है आप लोगों को इसकी आदत है। ज्यादा वो मतलब बुरी ताकत की मौजूदगी की निशानी, पर ये जो महक है ये अधिकतर बेसमेंट में से या फिर नीचे वाली जगहों से आती है। हाँ हाँ, वहीं सेलर में पहली बार बदबू आई थी। सेलर से शुरू करते हैं। परम पिता के नाम पर मैं ये प्रार्थना करता हूं। ओह शिट, वो सेरा नहीं थी? नहीं नहीं। क्या कर रहे हो तुम? पुलिस को कॉल कर रहा हूं। फोन को दूर रखो। क्यों? इस घर में बुरी आत्माएं, हम किसी को कुछ नहीं बताना चाहते जब तक कि हमें ये पता ना चले कि यहाँ चल क्या रहा है। ये रीडिंग्स तो बोर्ड के पार जा रही हैं। फादर, मदद करो! फादर! दूर हटो उससे, दूर हट जाओ। ये जगह छोड़ दो।
सारा। भाई रुक जाओ रिचर्ड। तुम कौन हो राक्षस? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अपना नाम बताओ। उससे सवाल पूछ रहा है। बकवास सवाल, जैसे ये मेरा नाम जानता है। मुझे डर लगता है। क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ? बहुत कमजोर लोगों से पाला पड़ा है तुम्हारा, मगर मुझसे नहीं। तुम्हें नहीं पता था कि वो मां बनने वाली है? क्योंकि वो कल तक थी ही नहीं। बच्चे का बाप कौन है? ये मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? कल रात मैंने, मेरा मतलब हमने, यहां पर एक औरत थी और हम साथ में सोए थे, और उसका चेहरा देखा मैंने, सहरा थी। सहरा थी। अब हम क्या करेंगे? क्या हम फिर प्रार्थना करें? रिचर्ड, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, पर उन सबको मुझ पे यकीन था। ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तुम्हारा विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ, वैसे भी मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने पूरा यकीन खो दिया। तो उसे जल्दी ढूंढो, अगर तुम सेरा की मदद करना चाहते हो तो। उसकी मदद? हाँ। वो बीमार है, उसने मुझे सिड्यूस किया, उसने उस औरत को मारा, और भगवान जाने और क्या। तुम्हें पता होना चाहिए इसमें तुम्हारी बहन का कोई हाथ नहीं है, वो एक शक्तिशाली राक्षस के वश में है। और तुम ये बात हमेशा याद रखना, समझ गए? जैसा आप कहें। बोर्ड की साइड से नुकीली रीडिंग स्लिप ले ली है। फादर, मेरी मदद करो। आजाद कर देगी। स्वर्ग में रहने वाले हमारे परम पिता के नाम पर। जिस माँ ने अपनी बेटी को मारा वो मेरी है। उस माँ ने जिसने अपनी संतान को मारा वो मेरी है। छोटी, कमजोर, बीमार और बेकार, पहले हमने उसकी आत्मा ली और अब इसकी ले लेंगे। Elizabeth। पर इस वाले को पता है इसे झूठ सुनना पसंद नहीं है, पर इसे पता है हम इस बार सच बोल रहे हैं। तुमने एलिजाबेथ को मारा? मैं तुम्हें गुनहगार बनाता हूँ। तुझे लगता है ये तरकीबें हम पर काम करेंगे? तुम्हारा नाम बेलायल है।
तुम झूठ के देवता के नौकर हो। मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारी निंदा करता हूँ। तुम मुझ पे ताकत दिखाएगा? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझसे और तेरे भगवान से ज्यादा ताकतवर हूँ। परम पिता के नाम पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे अंदर है वो इस आदमी से भी बड़ा है और तेरे भगवान से भी। उस पवित्र पिता की साम्राज्य छोड़ दे हमें कमजोर इंसान। कैसे? रिचर्ड, ये जो भी है ये सही है ना? किसने कहा? तुमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा ना, है ना? नहीं। तो तुम उसे कैसे रोकोगे? सिर्फ ईश्वर या नश्वर है रिचर्ड। इस दुनिया में किसी न किसी दिन जो पैदा हुआ है उसे खत्म भी होना है, और सबकी कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। हमें सिर्फ वो कमजोरी पहचाननी होती है। और हम इसे अच्छे से करना जानते हैं। क्या वो अब भी बाहर है? हाँ, उसे होना तो चाहिए। मैंने उसे बहुत सारा जूस दिया था ताकि वो सब बाहर आ जाए। ठीक है, क्या मैं आपसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? ठीक है। बोलो क्या बात है। मेरे पास ट्रेनेक्स खत्म हो गए हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा जब वो दोबारा उठ जाएगी। मुझे लगता है इस बार हमें बहुत परेशानी होने वाली है, और उसकी कंडीशन भी इससे और मुश्किल कर रही है। क्या कंडीशन हो सकती है? कि वो मां बनने वाली है या उस पर वशीकरण हो रखा है? अगर रिचर्ड ने जो आपको बताया है वो सच है तो इस बात को सिर्फ एक ही दिन हुआ है। ये एक चमत्कार होगा। एक चमत्कार जो हम नहीं होने दे सकते? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, हमें रोकना होगा। उसे रोकना होगा मतलब मारना होगा? यस। अगर उसे मारा गया उसके साथ बच्चा भी मरेगा। हमें मारना ही होगा। मुझे ये सब और नहीं सुनना है। रिचर्ड, प्लीज मुझे बचा लो। वो तुम्हारी मदद करेंगे। वो मुझे मार डालेंगे। नहीं। रिचर्ड, क्या तुम ठीक हो? दूर रहो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। नहीं, तुम नहीं करोगे। तुम बस यहां पर उसे मारने आए हो। हे, ये तुम क्या कह रहे हो? भाड़ में जाओ, निकल जाओ। रिचर्ड, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। हाँ, अब जब तुम्हें पता है कि तुम नहीं कर सकते तो तुम उसे मार दोगे? वो तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती है और तुम्हें रोकने के लिए भीख मांग रही है। रिचर्ड, क्या तुम्हें पता है कि वो कोई भी रूप ले सकती है? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेरा की बात सुन रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो एक राक्षस की आवाज है। मेरा यकीन करो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जाकर सेरा से कोई ऐसी बात पूछो
जो सिर्फ उसे पता हो। मुझे यकीन है वो जवाब नहीं दे पाएगी। सलामी सच कह रहा है, वो चली गई, गई। तुमसे दूर। झूठ के नौकर, बुराई की संतान, ईश्वर के शब्दों में ताकत है। क्या वो मेरी शक्ति देखना चाहता है? सेरा। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। ओ सच्चे भगवान, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। वो एक ईश्वर और धरती को बनाने वाले, मैं निकालता हूँ तुम्हें। भगवान के नाम पर मैं तुम्हें निकलने का आदेश देता हूँ। ईश्वर के नाम पर। हमें ये रोकना होगा। तुम्हें रोकना नहीं चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। रिचर्ड दरवाजा खोलो, रिचर्ड, रिचर्ड दरवाजा खोलो, खोलो। ये पूरी जगह हमें घेर रही है, चलो। ओके फादर, आपको बता दूं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए इंटरव्यू कभी भी बंद कर सकते हैं, और आपके पास अपना प्रतिनिधि रखने का हक है, इसलिए आप मुझे जो भी कहेंगे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, याद रखें। फादर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, आप चाहते हैं कि हम आर्डाइसिस को बुलाएं? तो एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं या फादर फ्रैंक बता सके, जो कि कैमरे में नहीं है। अगर आपको मिलता है तो देखते हैं, लेकिन 40 टन मलबे के नीचे मुझे अपनी उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए। तुम्हें मेरे नजरिए से देखने की जरूरत है, ठीक है? यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जिसे समझने की जरूरत है। मैंने उन्हें हरा दिया। किसे हरा दिया? कहा जाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई को हरा देती है। इस बार ये बात झूठ साबित हुई। क्या हम साफ साफ बात कर सकते हैं फादर? क्या तुम्हें ईश्वर पर यकीन है? हाँ बिल्कुल। और बुरे राक्षस पर, क्या उस पर यकीन है? मुझे उस पर यकीन है जिसे मैं देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, और इस समय मेरे सामने है वो बिखरा हुआ घर, एक लाश जिसमें से बहुत ही बदबू आ रही है। मॉली हैनिंग, यही नाम था उसका। हमने उसे रेस्क्यू किया उस मलबे के नीचे से, उसे बड़ी ही बेरहमी से काटा हुआ था। रिचर्ड और सारा का क्या हुआ? और उस बच्चे का? नहीं, हमें सिर्फ एक लाश मिली, पड़ोस की, मिसेस हैनिंग की। और आपको कोई बच्ची नहीं मिली? मुझे लगता है आपसे कोई चूक हुई है। मेरी प्रार्थना कभी बेकार नहीं जा सकती। क्या मतलब है आपका? वो अगर बच गई। क्या बात कर रहे हो तुम? कैसे हरा दिया? अगर वो बच्चा पैदा हो गया है और हमारी दुनिया में आ चुका है तो ईश्वर ही हमारी मदद करे।
तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि प्रीस्ट और उसका दोस्त जा चुके हैं और अब तुम सुरक्षित हो। बाद में मिलता हूँ रिचर्ड। अपनी फैमिली और बच्चे का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो उससे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पर तुम दोनों ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें चुना गया है।